भाई हेलमेट पहन के चला रहा, देख रहे हो? सो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? होप कि सब बढ़िया हो गए। मेरा नाम है ऋषभ और इस चैनल पे आपको आपसे शॉर्ट्स, फुल वीडियोस और इन फ्यूचर में फेस के साथ लाइव स्ट्रीम भी मिलेगी, पर वो 1K सब्सक्राइबर के बाद। अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है ना, तो फिर यही बेसिक गेम से स्टार्ट किया है। और आज हम खेलने वाले हैं बस सिमुलेटर इंडोनेशिया, और हमारे पास एक ऑफ रोडिंग मैप है, और हमारे पास आप देख सकते हो ब्रांड न्यू ब्लैक स्कॉर्पियो। उसको लोग भगौल डार्ट करने के लिए यूज़ भी करते हैं, आप जानते होंगे। तो आज इसको हम ड्राइव करने वाले हैं और मैप को कंप्लीट करेंगे हम लोग साथ में। मैप को कंप्लीट करते हैं और आप लोग हमें बताना कि कैमरा एंगल कौन सा सही रहेगा। मतलब इस वीडियो में तो नहीं, पर आप कमेंट कर सकते हो कि कैमरा एंगल कौन सा सही रहेगा, कौन सा गेम सही रहेगा खेलने के लिए, आपको कौन सा पसंद है। जिस कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे ना, उसको हम लोग अगली वीडियो में रिव्यू करेंगे, खेलेंगे और गेम प्लेस लाएंगे बहुत सारे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कर सकते हो, और ज़्यादा अच्छी लग जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर आप इन फ्यूचर बहुत सारे गेम्स, रिव्यूज़ और बहुत कुछ प्लान किया हुआ है, तो आप देख सकते हो, अगर अच्छा लगे तो आपके ऊपर है। तो चलो, बातें बहुत सारी हो गई हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग गेम प्ले अपना। पहले अंदर से ट्राई करते हैं, आप लोग नेक्स्ट उसमें बताना कमेंट करके कि कौन सा सही रहेगा कैमरा एंगल, तो उसमें हम लोग खेलेंगे, ठीक है? मेरे ख्याल से इसकी लाइट्स ऑन रह गई हैं, तो काफ़ी रोड पर चमक है यहाँ, और इसको बंद करो, इंडिकेटर का आवाज़ कर रहा है फालतू में। अच्छा क्या बात भाई, आज तो बिल्कुल रोड खाली है। और आपको पता है, एक गेम मतलब लोगों को लगता है वो इजी है, पर अगर अंदर से आप इसको ड्राइव करना किसी भी कार या बस को ऑफ रोडिंग पे, ऐसे ऑफ रोड्स में, तो भाई ये गेम सच में बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, क्योंकि आपको राइट साइड का तो अंदाज़ा हो जाता है कि राइट में क्या है, पर देखो सामने से सा बस आ रही ना, अब इसको अगर राइट से निकालना होगा तो ईजिली आप निकाल सकते हो बिना टच के, पर लेफ्ट में अंदाज़ा नहीं है कि लेफ्ट में कितना गैप है कि नहीं है। और ऊपर से इसका शायद स्कॉर्पियो का बोनेट भी काफ़ी ऊपर है, तो उससे पता भी चलता है हम लोगों को कि लेफ्ट में क्या है। फिलहाल के लिए भी सामने से कोई नहीं आ रहा, तो हम लोग आगे कट ले सकते हैं आराम से, और कोशिश करेंगे कि हम लोग इसमें कहीं भी क्रैश ना हो कहीं भी। अरे 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 भाई, इसको बहुत जल्दी है, कल सुबह क्रैश हुआ, शायद क्रैश हुआ, थोड़ा सा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार से हम लोग बचा के खेलेंगे। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। शायद उसको पनवेल निकलना था, इसलिए उसको जल्दी हो रही थी। चलो आगे से काफ़ी ट्रैफिक, ना 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 नहीं है, चलो बढ़िया, आगे से ट्रैफिक नहीं है, अब इसमें निकल सकते हैं, रोड खाली है पूरी, बस स्टीयरिंग पे कंट्रोल करना है, हम निकल जाएंगे आराम से। अच्छा आगे तक पूरा रास्ता खाली है। उसकी टॉप स्पीड शायद इसमें सब सेम ही होती है, 240 के आसपास है शायद, शायद शायद से, कंफर्म नहीं है शायद से। और इसमें बहुत सारे मॉड्स भी होते हैं, अगर आपको आप लोगों को, अरे भाई साहब ब्रेक, अगर आप लोगों को इसके मॉड्स मतलब चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो, इन फ्यूचर उस पर वीडियो लाएंगे, और हो सका तो इस वीडियो में, नहीं तो अगली वीडियो में आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। और यार इस गेम की ना एक चीज़ बड़ी गंदी लगती है कि चला स्कॉर्पियो पर हॉर्न बस का मार रहा हूँ, ये सुनने में कितना अजीब लगता है देखो। अरे अरे आराम से भाई, आराम से मार दिया क्या यार। फिलहाल हम लोग आराम से चलेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को चाहें तो बड़ी तेज़ी है, ऐसे भी बस गिरती है ऊपर से। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे कि इसमें यार हॉर्न बढ़िया नहीं है, हॉर्न भी स्कॉर्पियो को होना चाहिए मॉडल में। फिलहाल ठीक है, ये तो ठीक है, पर अगर वो साइड वाले हॉर्न बजाएंगे तो वो बस के पड़े हुए हैं, ये तो फिर भी ठीक है। हमारा फ्यूल ख़त्म हो गया था इसलिए हमने गाइस रोक दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ फिर से आगे चलते हैं। और आप लोग बताना यार प्लीज़, आप कमेंट करना कि नेक्स्ट हमें क्या खेलना चाहिए। तो एंड्रॉयड पे गेम नहीं है, और चीकी से अगर आप खेलना भी चाहो ना, चीकी से क्लाउड गेमिंग अगर खेलना चाहो पीसी गेम्स, तो भाई वो लैग ऐसा करता है ना कि खेल ही नहीं पाओगे आप। हमने ट्राई किया था उसको चीकी पे, चीटे ट्राई किया था, तो उस पर थोड़ी देर के लिए फ्री होता है शायद, तो ट्राई किया था भाई साहब, इतना लैग कुछ पूछो मत, बहुत ज़्यादा। आप थोड़ा सा बाहर कैमरा एंगल लिया ताकि बाहर दिखाने के लिए आपको, वो नीचे जहाँ देख रहे हो भाई वो एक इसमें एक और दिक्कत है पता क्या, कि कोई अगर एक गाड़ी से ज़रा सा टच हो जाए ना, अब वो गाड़ी वहीं रुक जाती है, ये चीज़ गलत है, इसको अपडेट में फिक्स करना चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। अब देखो एक कार रुकी है, उसके चक्कर में सारी नीचे कार रुकी खड़ी हुई है, पता नहीं क्यों किस लिए, या सिर्फ एक कार रुकी हुई वहाँ पर, और कोई अचानक से इसमें टक्कर हो जाए।